हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रेवी वाली मंचूरियन। तो देखते हैं मंचूरियन की रेसिपी क्या है। ये बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। आज हम मंचूरियन बनाने जा रहे हैं ग्रेवी वाली मंचूरियन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कैबेज, पत्ता गोभी को कद्दूकस किया है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बट पानी नहीं छोड़ना चाहिए, ये थोड़े से दाने वाले होने चाहिए। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। प्याज, इसे भी मैंने कद्दूकस किया है। लहसुन की कुलियाँ, हरी मिर्च और गाजर। और अब हम इन सब को मिक्स करेंगे, सिर्फ हम लहसुन को छोड़ देंगे। इसे एक बाउल ले लिए। अब हम इसमें अपना सारा वेजिटेबल्स मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्याज और पत्ता गोभी को निचोड़ लिया है, ऐसे मुट्ठी में भर के। इसकी पानी निकाला है हमने, ये पानी है। अगर इसमें वेजिटेबल्स भी थोड़ा रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे ग्रेवी में काम आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें गाजर और हरी मिर्च भी मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ी सी 5-10 पीस काली मिर्च को पीस के डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है काली मिर्च को। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे। यहाँ पे एक कटोरी मैंने मैदा लिया है इसे बाइंडिंग करने के लिए, क्योंकि हमें इसका वड़ा निकालना है मंचूरियन को। अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा एक बाटकी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, एक बाटकी मैंने निकाल लिया है, इसे हम ग्रेवी में डालेंगे और इसके हम वड़े निकालेंगे। अगर आपको इसमें मैदा कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी लोई बनाते हैं। चलिए, मीडियम साइज की लोई बनानी है आपको, इस टाइप में। हम लोई बना के रख लेते हैं सारी, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। हमारी मंचूरियन के लिए गोली बिल्कुल रेडी है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। फ्रेंड्स, अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करते हैं और तेल डालेंगे इसमें। इसमें तेल डाल दीजिए। हमें अब अपनी मंचूरियन को फ्राई करना है। तेल डाल दिया, अब हम इसे गर्म होने का वेट करेंगे। अब एक बाउल कटोरी लेंगे हम, उसमें हमें कॉर्नफ्लोर को घोल बनाना है। तो आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लीजिए, जरूरत पड़े तो आप और भी घोल सकते हैं। चलिए, मैंने 3 चम्मच ले लिया। अब इसे पानी डालकर हम घोल बनाएंगे। घोल रेडी है फ्रेंड्स, अब इसमें हम पानी डालेंगे। घोल रेडी कर लीजिए। इसमें हमें अपना मंचूरियन का गोली को लपेटना है, फिर हम फ्राई करेंगे उसे। देखिए फ्रेंड्स, घोल पतला है बिल्कुल, हमें इसी तरह रखना है। तेल गर्म हो गया, अब हम इसे सीम कर देंगे और अपनी गोली को इसमें डीप करके फ्रेंड्स जितना आ सके एक बार में डालेंगे। गोलियों को कॉर्नफ्लोर में लपेट के डालना है हमें। धीरे धीरे डालिए, तेल बहुत गर्म है। फ्रेंड्स देखिए, अच्छा ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी तरह आप और भी जितनी गोलियां बना के रखें सबको फ्राई करना है। इसे हम ऊपर से ऐसे ऐसे तेल डालेंगे। धीरे धीरे अलग कर दीजिए सबको। देखिए फ्रेंड्स, ये भी ब्राउन हो गया है। इसी तरह से हमें सारे निकालने हैं मंचूरियन के लिए गोलियां।
फ्रेंड्स, हमारी मंचूरियन की गोलियां रेडी है। इसे मैंने फ्राई कर लिया है। अब चलिए इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। हमारा तेल गरम हो गया, इसमें कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, हरी मिर्च मैंने पहले लिया था, वही है जो हमने मंचूरियन के लिए मसाला रेडी किया था, ये वही है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे भी ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन करेंगे इसे। फ्रेंड्स, अब हम लहसुन और काली मिर्च को कूट लिए, इसे भी डाल देते हैं। ये सीज रहा है तब तक हम कॉर्नफ्लोर के घोल की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसकी ग्रेवी के लिए हमें घोल की ज़रूरत पड़ेगी। इसे सीजने देते हैं। इसमें हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने से ये थोड़ा जल्दी पक जाता है। फ्रेंड्स, ये पक गया, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें एक चम्मच के करीब टोमेटो सॉस डालेंगे, चिल्ली सॉस डालेंगे, ये सब हमें लास्ट में डालना है। चिल्ली सॉस आप दो चम्मच भी डाल सकते हैं। सोया सॉस डालेंगे, सोया सॉस बिल्कुल थोड़ा सा, इसे हमें बस कलर के लिए चाहिए। और विनेगर डालेंगे, विनेगर आप इसमें दो चम्मच डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें। अब बिना लाल मिर्च के भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी सी घोल बची हुई है, इसी में हम थोड़ा सा अपना और घोल बना लेते हैं। इसे पानी डाल के घोल कर लेते हैं रेडी। मिक्स हो गया फ्रेंड्स अच्छी तरह से। अब हम इसमें घोला हुआ कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और पानी डालेंगे एक गिलास। एक गिलास पानी डाल दिए। और फ्रेंड्स, ये पत्ता गोभी से निकला हुआ पानी है, प्याज और पत्ता गोभी का, वो भी हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, देखिए इसका कलर आ रहा है अच्छा। अब ये बॉईल हो जाए तो हम इसमें अपने फ्राई की हुई मंचूरियन की गोलियां डालेंगे। फ्रेंड्स, देखिए ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ज़्यादा भी है। अब हम इसमें अपनी मंचूरियन की गोलियां डालते हैं और इसे 5 से 10 मिनट तक हम पकने देंगे, थोड़ा गोलियां सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड्स, हमारी मंचूरियन रेडी है। आप इसे फ्राइड राइस, जीरा राइस, मंचूरियन, सीजलर के साथ खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम इसे गार्निश करते हैं धनिया पत्ती से। आप स्प्रिंग ऑनियन भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा मंचूरियन ग्रेवी रेडी है, ग्रेवी वाली मंचूरियन। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल बटन को जरूर दबाना ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।